अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन को और बेंजीन के कलम ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, उनकी क्या कंडीशन है। हम आगे बढ़ाते हैं बात को और हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन और उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन पे आएंगे तो आपने याद रखना है बेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, एल्कीन की तरह रिएक्टिव नहीं है, इट इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन आइसोलेटेड एल्कीन्स। आइसोलेटेड एल्कीन्स इसकी रिएक्टिविटी कम है ड्यू टू रेजोनेंस। अब चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर ये एडिशन रिएक्शन दे, इफ बेंजीन अंडरगो एडिशन, इट लूज इट्स रेजोनेंस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज लॉस, इसका लॉस होगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी का। देयरफॉर इट यूजुअली नॉर्मली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। इसके जो रिएक्शन होंगे नॉर्मली वे क्या होंगे, जनरल रिएक्शन इज सॉरी इसके जो रिएक्शन होंगे ये स्टेबिलिटी का लॉस नहीं करेगा और उसकी वजह से इसके रिएक्शन क्या होंगे, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बजाय के एडिशन रिएक्शन हो, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है सब्स्टिट्यूशन होगी, और कैसी सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देगा। ये एडिशन रिएक्शन, एडिशन और ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देगा बेंजीन अंडर सूटेबल कंडीशंस। बट इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा, स्टेबिलिटी इज डिस्ट्रॉयड, इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी का लॉस होगा। कब, जब एडिशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगी बेंजीन, तो बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट अंडर हार्श कंडीशन, सूटेबल कंडीशन में ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगी बेंजीन। तो हमें यहाँ से पता चला रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी क्या, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, अल्कीन से रिएक्टिविटी कम आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी का लॉस होगा ऑन एडिशन एंड ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट जनरली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। बेंजीन इज़ अ वीक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ लेकिन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, सो रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ तो रिएक्ट करेगा, नॉट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, लेकिन अल्कीन्स की तरह वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करती बेंजीन। अल्कीन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है, अल्कीन HX के साथ रिएक्ट करेगा, हैलोजन एसिड X2 के साथ इंड्यूस पोलैरिटी जनरेट होगी, अल्कीन रिएक्ट करेगा बट बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगी। बेंजीन ओनली रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड है बेंजीन को रिएक्शन के लिए। तो ये हो गई कुछ बातें अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का। जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए और उसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल्स विद कंडीशंस, और हर एक में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आना है, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, कैसे जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन इज
नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, उसके बाद जो है वो नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन और HNO3 अगर MCQs में आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा आयन, कौन सी चीज़ इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको तमाम रिएक्शंस में कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं वो मालूम होने चाहिए। अगर आपको एक जनरल मैकेनिज्म मालूम है तो आप तमाम के मैकेनिज्म को, कोई भी इंटरमीडिएट को या कोई भी स्पीशी को बता सकते हैं, क्योंकि सबका मैकेनिज्म सेम है सिवाय फर्स्ट स्टेप के जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन है, ऐसी सब्स्टिट्यूशन जिसमें हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या विद इलेक्ट्रोफाइल कह लें। हाइड्रोजन बेंजीन का एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस होगा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो, इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स रिक्वायर्ड हैं। बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्ट करेगा लेकिन उसके लिए भी एक डिफरेंट कंडीशन है, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड, जनरली हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप, ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले तो तमाम में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, हम जनरली एक्शन में इसकी बात नहीं करते। बेंजीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट करेगी और पाई बॉन्ड दे देगी इस इलेक्ट्रोफाइल को, यहां से बनेगा एक कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन नेबरिंग पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा तो ये आयन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस आयन को हम इस तरह भी ड्रॉ करते हैं, समटाइम ये आयन इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन से इस कार्बन तक अब रेजोनेंस हो रही है, खाली कॉन्जुगेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेटेड है। तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन और यहाँ से हाफ सर्कल विद पॉजिटिव चार्ज, तो सम टाइम ये इस तरह भी लिखा हो तो एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो कि बेस होगी वो एच पॉजिटिव निकालेगी, और वो बेस कहाँ से आई होगी, ड्यूरिंग ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई होगी, ये एच हाइड्रोजन निकाल लेगी, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी, अपनी रेजोनेंस जो कि चली गई थी वापस हासिल करेगा और बी एच बन जाएगा। ये है जनरल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे इस मैकेनिज्म में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक बेंजीन, इंटरमीडिएट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वायर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ अ फ्री रेडिकल, नन ऑफ दीज, तो आपको पता होना चाहिए इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज एरोमेटिक, नहीं, इंटरमीडिएट इज नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, सबसे पहला स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है और उस एडिशन की वजह से डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है और रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव रिमूव होने से दोबारा कॉन्जुगेशन आई है, री एरोमेटिसिटी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया है। बेंजीन ने दोबारा अपनी एरोमेटिसिटी
हासिल की है सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अब इसकी हमारे पास 5 एग्जाम्पल हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तमाम का एक ही मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आपको तमाम के इलेक्ट्रोफाइल और उनकी कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा चंद एक बातें इनमें मजीद हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, ये जो आयन है बेंजीन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, इस आयन का नाम भी आपको मालूम हो, और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को एरोमेटिक मॉलिक्यूल पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड पे, इसे जनरली एरिनियम आयन कहा जाता है, ठीक है, ये एरिनियम आयन है। इसके अलावा इसका नाम है साइक्लोहेक्साडाइएनाइल कैटाइन, ठीक है, तो इसको साइक्लोहेक्साडाइएनाइल कैटाइन भी कहते हैं। तो और करके इसका ये नाम भी देख लें, साइक्लोहेक्साडाइएनाइल, ठीक है, कैटाइन, ये नाम भी इसे दिया जाता है। और बेंजोनियम आयन भी कह सकते हैं, बेंजीन का कैटाइन है तो इट इज बेंजोनियम आयन। तो इसका नाम एरिनियम आयन, साइक्लोहेक्साडाइएनाइल कैटाइन या बेंजोनियम आयन है, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बन रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो हम वन बाय वन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, और हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब होगा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, नॉट एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जब है तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो, ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, जब रिप्लेस हो हाइड्रोजन हेलोजन के साथ तो इसे हेलोजिनेशन कहेंगे। हेलोजिनेशन के लिए सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या होगी भाई, कंडीशन आपके पास X2 प्लस FeX3 और AlX3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइहेलाइड या आयरन ट्राइहेलाइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ये क्या है, बोथ आर कैटलिस्ट, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट, AlCl3, FeCl3 या FeBr3, X2 हेलोजन, और यहां से होगा क्या, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन प्लस HX एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये हेलोजिनेशन है, जनरल रिएक्शन है जिसमें AlCl3 या FeCl3 कैटलिस्ट है। अब ये FeCl3 और AlCl3 या FeX3 AlX3 इन्हें कहा जाता है लेविस एसिड कैटलिस्ट, लेविस एसिड कैटलिस्ट, ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड के तौर पे यहाँ एक्ट करते हैं। क्यों एक्ट करते हैं लेविस एसिड, क्योंकि X2 इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, X2 बल्कि इलेक्ट्रोफाइल आई नहीं है तो एक न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बेंजीन ओनली रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से एक तो MCQs में आ जाता है FeX3 और AlCl3 एक्ट एज अ डैश इन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे आर लेविस एसिड लेविस बेस इलेक्ट्रोफाइल्स, ये क्या हैं, ठीक है, तो ये दे आर लेविस एसिड, लेविस एसिड का मतलब है लॉन पेयर एक्सेप्टर, लॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड है हमारे पास, और ये यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हुए लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिर्फ मैकेनिज्म का पहला स्टेप लिखूंगा, रिमेनिंग मैकेनिज्म आपको मालूम है। हेलोजिन XX एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गया भाई, ये तो वीक इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, ये तो वीक इलेक्ट्रोफाइल भी उस वक्त बना था व्हेन इट कम क्लोजर टू द अल्कीन, जब अल्कीन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आया था तो इसने वीक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट किया था, इस पर इंड्यूस पोलैरिटी आई थी। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, AlX3 या FeX3 जो भी यहाँ पे हो, ये हेलोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है,
ठीक है। यहाँ पे इसने एक्ट किया एज अ लेविस बेस और ये हो गया लेविस एसिड। अब जब इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी हम पोलैरिटी लिखें, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे चुका है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी फेवर में ब्रेक हो गया, इसने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हैलोजिन को दे दिया, तो ये हैलोजिन क्या हो गया, खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हैलोजिन ये जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ चला गया वो तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक्स पॉजिटिव जनरेट हो गया और ए एल एक्स फोर नेगेटिव जनरेट हो गया। ये है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा विद बेंजीन। अब उसके बाद एक्स पॉजिटिव रखें और बेंजीन का बाकी मैकेनिज्म। इस कैटाइन को हम कहते हैं हेलोनियम आयन, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल इन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब अगर ये ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम आयन हो जाएगा, इसको सम टाइम हेलोजिनोनियम आयन भी कहा जाता है, ठीक है, हेलोजिनोनियम, हेलोजिन से हेलोजिनोनियम आयन, ठीक है। तो हेलोजिनोनियम आयन और हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, हेलोजिनोनियम आयन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। हम दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब दूसरा रिएक्शन हेलोजिन के साथ ही दूसरा रिएक्शन बेंजीन का एक और है, वो भी साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, ठीक है, कैसी बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और हम एक्स टू से रिएक्शन करा दें, बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और हम एक्स टू ले लेते हैं, एक्वस ब्रोमीन या क्लोरीन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो सिंपल वही रिएक्शन हो जाएगा जो कि एल्केन का था, सनलाइट, यूवी लाइट, एच म्यू, ठीक है, कुछ भी लिखें, इसकी मौजूदगी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी अल्काइल पार्ट की, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे अब हेलोजिन के साथ रिएक्शन हुआ है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल पार्ट ऑफ बेंजीन हो रही है। जो बनने वाला प्रोडक्ट है CH2Cl आएगा, CH2Cl ये है बेंजाइल क्लोराइड, हम मैंने कहा था CH2 बेंजीन, CH2 को बेंजाइल कहेंगे। अगर एक मोल मजीद से रिएक्ट करवाएं तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा CHCl2, तो हमारे पास CHCl2 बनेगा जिसे हम कहते हैं बेंजाल क्लोराइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंजाल, ये मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था, इसे कहेंगे बेंजाल क्लोराइड। और अगर हम तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दें, ठीक है, एक मजीद मोल के साथ रिएक्ट करें और तीसरा भी रिप्लेस हो जाए तो प्रोडक्ट हो जाएगी CHCl3, इसे कहते हैं बेंजीन ट्राइक्लोराइड, बेंजीन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, बेंजीन ट्राइक्लोराइड कह रहा हूं, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसे कहेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रोडक्ट के नाम याद रखते हैं क्योंकि ये बुक में आपकी मौजूद हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। बेंजीन की जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है विद हेलोजिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करें तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को अगर डिफाइन करें सिंपली तो कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कहेंगे NO2 ग्रुप को, ठीक है। NO2 ग्रुप, इसे हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने के लिए बेंजीन का रिएक्शन करेंगे विद नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटालिस्ट। नाइट्रिक एसिड रिएजेंट है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ये रिएक्टेंट है जिस पे रिएक्शन होना है, ये रिएजेंट है जिसके साथ रिएक्शन होना है, और ये कंडीशन है H2SO4 एंड हीट, और H2SO4 कैटलिस्ट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बात की कि ये हमारा रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, और यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद 1:1 मिक्सचर, 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इक्वी मोलर, एक मोल नाइट्रिक एसिड तो एक मोल H2SO4, दो मोल नाइट्रिक एसिड दो मोल H2SO4, 1:1 के रेशो से रिएक्शन करवाते हैं। इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दूसरी चीज, रिएक्शन टेम्परेचर 50-55 डिग्री सेल्सियस हीट, और 50-55 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास टेम्परेचर है। होगा क्या, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई नाइट्रो ग्रुप प्लस वाटर H2O एज अ साइड प्रोडक्ट। अब इसका भी मैकेनिज्म वही है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वही मैकेनिज्म होगा HSO4 नेगेटिव, हेलोजिनेशन में HCl4 नेगेटिव जो बना था वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे HSO4 नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो बनेगी वो बेस के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। किसी भी एसिड का एनायन कॉन्जुगेट बेस होता है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे भी पहला स्टेप मैकेनिज्म में जो होगा वो डिफरेंट होगा, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HONO2 मैं इसको लिख रहा हूँ, विद HSO4H सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ से OH नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेता है, ठीक है, और यहाँ से जनरेट करता है OH नेगेटिव H पॉजिटिव, H2O प्रोड्यूस हो गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, OH नेगेटिव निकला, इसका मतलब है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले गया NO2 को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर गया, NO2 पॉजिटिव प्लस यहाँ से H पॉजिटिव निकला है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया HSO4 पे नेगेटिव चार्ज, HSO4 नेगेटिव ये जनरेट होते हैं, जिसमें से NO2 इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, वो जो जनरल मैकेनिज्म था उसके अकॉर्डिंग। ई पॉजिटिव की जगह NO2 पॉजिटिव, बी की जगह HSO4 नेगेटिव, बेस जिसने हाइड्रोजन निकाला था सेकेंड स्टेप में वो HSO4 नेगेटिव है, एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो कैटाइन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसे कहेंगे नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड। आखिर में जब HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा दोबारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और उसमें जो बातें आपने याद रखनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय 1:1 इक्विवोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोनियम आयन इज कैटलिस्ट, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फ्यूरिक एसिड इज कैटलिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। रिएक्शन टेम्परेचर इज 50-55 डिग्री सेल्सियस। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हमारे पास बेंजीन की सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, इसे कहेंगे सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अगर हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं बेंजीन के ऊपर
तो इसे हम कहेंगे सल्फोनेशन। अब अगर बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना हो तो इसके लिए रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। हम रिएक्शन करवाते हैं विद H2SO4, ठीक है, और H2SO4 के साथ इसे हीट करें अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा SO3H प्लस H2SO4 में से OH निकल गया, बेंजीन का हाइड्रोजन, इट प्रोड्यूस वाटर। एक तो ये रिएक्शन है, ठीक है, बनने वाली प्रोडक्ट को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट है। दूसरा यही रिएक्शन करवाया जा सकता है विद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम H2SO4 SO3 की मौजूदगी में हीट करें रिएक्शन मिक्सचर को, तो हम ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवा लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, और हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा हमारे पास। तो हम दो तरह से ये रिएक्शन दो कंडीशंस में कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद SO3 गैस। इस मिक्सचर को H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ठीक है, जब हम H2SO4 एक्वस होगा प्लस इसके साथ SO3 गैस को लेंगे तो इसे कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा होगा, H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स इसमें से निकल रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाएगा। अब जब यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 इज रिजेंट, H2SO4 इज कैटलिस्ट, या SO3 रिजेंट, H2SO4 कैटलिस्ट, ठीक है, और SO3 ही इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। इन दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3 न्यूट्रल नॉट पॉजिटिव, अब यहाँ ये बात भी याद रखनी है भाई, वहाँ पॉजिटिव पे टिक नहीं लगाना। अगर आ जाए इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज SO3 पॉजिटिव, SO2, H2SO4, SO3, तो SO3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। SO3 इन दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये SO3 कैसे जनरेट होगा। यहाँ तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्ट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होगा अगर हम H2SO4 यूज करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो कि इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले H2SO4 अपने ही जैसे दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्रोड्यूस होती है प्लस HSO4 बन जाता है नेगेटिव। HSO4 यहाँ से OH निकला और यहाँ से उसने क्या लिया, OH, ठीक है, H पॉजिटिव, वाटर बना, उस H2O ने एक और हाइड्रोजन ले लिया और वो हो गया H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ से अगर SO3 छोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वो H2O यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये SO3 रिएक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसका मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसमें एक स्टेप ज़्यादा आएगा बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म से। जी, तो सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन प्लस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। अब वाई SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, भाई क्यों SO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑक्सीजन एटम अटैच टू सल्फर।
सल्फर के साथ तीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए सल्फर को हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहे हैं। बेंजीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए इधर रिएक्ट करेगा, एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की फेवर में तोड़ेगा। अब यहाँ जो पहले स्टेप में जो चीज़ बनेगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस इसके साथ मौजूद है हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही एच एस ओ फोर नेगेटिव बेस ने ये हाइड्रोजन निकाल लिया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ गई, बेंजीन एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, लेकिन एस ओ थ्री एच सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये ओ नेगेटिव बनने वाले एच थ्री ओ पॉजिटिव से हाइड्रोजन ले लेगा, मीडियम से इसने हाइड्रोजन लिया और ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड में एस ओ थ्री एच प्लस एच टू ओ, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये एच एस ओ फोर नेगेटिव चेंज हो गया था एच टू एस ओ फोर में, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया था। तो ये है मैकेनिज्म फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सो यहाँ पे हमारे पास तीन रिएक्शन पूरे होते हैं। अब यहाँ पे याद क्या रखना है भाई, सल्फोनेशन सल्फोनिक एसिड ग्रुप की इंट्रोडक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कैटलिस्ट, दो डिफरेंट कंडीशन यूज होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड विद 80 डिग्री और सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आखिरी दो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बेंजीन के डिस्कस करने लगे हैं वो हैं हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट्स ठीक है, ये नाम है तो हम इसको सिंपली अब एफ सी आगे लिख लेंगे, एक दफा में लिख लिया फ्रेडल क्राफ्ट्स। अब अल्काइलेशन है एक और दूसरी है एसाइलेशन। अल्काइल ग्रुप कार्बन की कोई भी चेन, एसाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन चेन विद सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं अल्काइल ग्रुप तो अल्काइलेशन, अगर इंट्रोड्यूस कराया एसाइल ग्रुप तो एसाइलेशन। अब एसाइल भी कहते हैं एसाइल भी कहते हैं इसके दोनों नाम, ए सी वाई ओ एल भी लिखेंगे ए सी वाई एल भी लिखा जाता है, तो एसाइल लिखा हो या एसाइल लिखा हो एक ही बात है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। अब सबसे पहले अगर अल्काइलेशन करानी हो तो अल्काइल हेलाइड इज यूज्ड। कैटलिस्ट वही जो कि हेलोजिनेशन में था, ए एल एक्स थ्री और एफ ई एक्स थ्री। अब यहाँ पे भी ये लेविस एसिड कैटलिस्ट ही रहेगा, कैटलिस्ट है और लेविस एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट इस अल्काइल हेलाइड का अल्काइल चेन इंट्रोड्यूस हो जाएगा इधर प्लस एच एक्स, ठीक है। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है और वही मुख्तलिफ है, बाकी सारा फिर सेम होता है। आर एक्स प्लस ए एल एक्स थ्री, ये लेविस बेस ये लेविस एसिड, इस हेलोजिन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ये बॉन्ड हेलोजिन की फेवर में टूटा और आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आर पॉजिटिव प्लस ए एल एक्स फोर नेगेटिव, ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा बाद में प्रोटॉन निकालने के लिए। आर का पॉजिटिव कार्ब हो गया इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कार्बोकैटाइन के साथ रिमेनिंग मैकेनिज्म वही है जो कि पहले था, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म जो है जी। स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ बात की कि हमारे पास इंटर कार्बोकैटाइन क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ है, एक कार्बोकैटाइन है जब हम फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम क्या होता है, वैसे तो हम जनरली ये मैकेनिज्म लिख देंगे लेकिन अगर कहा जाए कि अल्काइलेशन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, तो अल्काइलेशन में प्रॉब्लम यह है कि समटाइम
वी कैन नॉट गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक तो पोली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, बहुत सी पोजीशंस पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है सिवाय एक पोजीशन के, एक पे अटैच हुआ देन उसकी ऑर्थो ऑक्यूपाई हो गई, फिर उसकी पैरा ऑक्यूपाई हो गई, तो मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर मैं देखें, अगर मैं यूज़ करता हूँ CH3CH2CH2Cl फॉर अल्काइलेशन, मैं चाहता हूँ प्रोपाइल बेंजीन बने, तो हम थोड़ी अमाउंट में प्रोपाइल बेंजीन हासिल करते हैं, समटाइम प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगी बल्कि बहुत कम बनेगी। और वजह क्या होगी, जब कार्बोकैटाइन बनेगा CH3CH2CH2 पॉजिटिव, दीज कार्बोकैटाइन डी अरेंज टू फॉर्म प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाती है बजाय के प्रोपाइल बेंजीन के, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अगर ये रीअरेंज हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये CH3 हो जाएगा CH पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाती है और कार्बोकैटाइन सेकेंडरी में चेंज हो जाता है। जब ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में चेंज होता है, अब ये जब बेंजीन के ऊपर अटैच होगा तो ये एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेगा। तो ये है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की प्रॉब्लम, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, दे रीअरेंज एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके अलावा पोली अल्काइलेशन हो जाती है। तो लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का हमारे पास एसाइलेशन, हम एसाइलेशन की बात करते हैं। अगर हम एसाइलेशन करवाएं, हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप के लिए हमें जो रिएजेंट रिक्वायर्ड है वो है एसिड हेलाइड, इसे हम एसाइल हेलाइड कहें, इसे एसिड हेलाइड्स भी कहते हैं, एसाइल हेलाइड भी कहते हैं, एसिड हेलाइड्स और एसाइल हेलाइड्स। अगर हम IUPAC नेम दें जनरली, तो इनका नाम लिखा जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl एथानॉइल, इसे हम कहेंगे एथानॉइल क्लोराइड, और जनरली ये क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, मेथानॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हम अल्कानॉइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, अल्कानॉइल हेलाइड हमारे पास है, अल्कानॉइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन अगेन वही, AlCl3 या FeCl3 या FeX3 जनरली कह दें, बेंजीन और बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR के साथ, एसाइल ग्रुप अल्कानॉइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास अल्कानॉइल बेंजीन बन जाएगी प्लस HX। अब अगर ये R हाइड्रोजन हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हुआ, मेथानॉइल क्लोराइड हुआ, तो बनने वाली प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OCl बनेगा बेंजाल्डिहाइड, अगर होगा CH3C डबल बॉन्ड OCl बनेगा एसिटोफिनोन, अगर होगा बेंजोइल क्लोराइड तो बनेगा बेंजोफिनोन, ठीक है, इसकी जगह बेंजोइल क्लोराइड बेंजोफिनोन। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन होगी तो वो CH3CH2CH3CH2CH3 वो अटैच होती जाएंगी, ठीक है। तो ये तीन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाजमी याद रखने हैं, फॉर्म एल्डिहाइड ये बेंजाल्डिहाइड, और फॉर्माइल क्लोराइड इसे फॉर्माइल क्लोराइड भी कहेंगे, इसे मेथानॉइल क्लोराइड भी कहेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड गिव बेंजाल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड इसे एथानॉइल कहेंगे, इसका कॉमन नेम एसिटाइल है, एसिटाइल क्लोराइड गिव एसिटोफिनोन एंड बेंजोइल क्लोराइड गिव बेंजोफिनोन इन फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में होगा। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास HC डबल बॉन्ड OCl है, RC डबल बॉन्ड OCl AlCl3 के साथ कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा कैटलिस्ट के साथ, और वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल आगे रिएक्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को नाम देंगे एसेलियम आयन, ठीक है, एसाइल का एनायन बना है, तो हमारे पास
ये एसेलियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो हमने कहा इसको हम नाम क्या देंगे, एसेलियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। ठीक है, तो ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और उसमें वो बातें जो मस्ट हमें मालूम होनी चाहिए, और ये तमाम एक्सट्रैक्ट है इसका, इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बता सकें तो इसमें सिंपल प्रोडक्ट हैं सिवाय अल्काइलेशन एसाइलेशन के, बाकी सब में तो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है, हैलोजन होना है। अब हमने कहा कि बेंजीन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन समटाइम, इट रिएक्ट जब बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है और बेंजीन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। तो ये बात भी याद रखिएगा, डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ा देता है तो बेंजीन रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। थैंक यू।